पैसा, लालच और ईर्ष्या भाई को भाई का कातिल बना बैठती है। लेकिन पानीपत में एक भाई के सिर पर ऐसा खून सवार हुआ कि उसने अपने चचेरे भाई के हंसते खेलते परिवार की जिंदगी में ऐसी आग लगाई जिसने परिवार की सारी खुशियों को चंद मिनटों में भस्म कर दिया। जगह पानीपत का सुल्तान गांव, जहां चचेरे भाई ने पहले तो घर में अपने भाई के परिवार को कुंडी लगाकर बंद कर दिया और उसके बाद पेट्रोल छिड़क कर पूरा घर आग के हवाले कर दिया। इस अग्निकांड में 6 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। कोई कुछ समझ पाता तब तक आग पूरे घर में फैल चुकी थी। आग में 2 महिलाएं, 2 लड़कियां, 2.5 साल का बच्चा और युवक बुरी तरह झुलस गए। ग्रामीणों ने उन्हें आग से बाहर निकाला और तुरंत सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक 2.5 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। वहीं एक लड़की को रोहतक PGI रेफर किया गया है। बताइए भाई साहब, किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया? अंदर मेरे कमरे में रोक कर सारे परिवार अंदर बाहर मुड़ा लगा दिया, फिर बाहर वाले कमरे का फिर लगा दिया, पेट्रोल से आग लगा दी जी। तो उससे बाहर आ गए, मतलब कूड़े करकट का ढेर था, छप्पर था, उसमें आग लगा दी। लोगों ने सोचा कि भाई बाहर आग लग रही है, मारे एक कुल्हाड़ा ले खड़े हो गए बंदा, तो जी राहुल नाम वाले का, तो कुल्हाड़ा ले खड़े हो गया हाथ में जी, एक कट्टा ले खड़े हो गया। अंदर किसी कुछ नहीं दे रहे थे गाँव के, किसी ने भी कोई आग बुझा दिया, उन्होंने निकालना है। तो फिर मैं वहाँ पे गया तो पकड़े उसको, पकड़ पकड़ के उसको मारा पिट्टी करी, तो हथियार खोज से हथियार खोज का फिर अंदर घुसे, तो वो छप्पर गया आग बुझाई। उसके बाद फिर देखा तो अंदर फोन की घंटी बज रही थी, अंदर ताले तुले तोड़े धक्के धुके मार के फिर अंदर घुसे, तो ये अंदर फोन है बड़े हो गए जी। तो एक लड़का एक्सपायर हो रहा है, 2.5 साल का है, ये लड़की रोहतक एक्सपायर वहाँ रेफर कर दिया। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि विशाल सोंदापुर गांव का रहने वाला है, उसकी ससुराल सुल्तान में है। सोमवार सुबह विशाल अपनी पत्नी नीतू के साथ ससुराल आया था। यहां पर उसने बाइक खरीदनी थी, लेकिन दोपहर 3 बजे जब वो पत्नी नीतू, साला बाला, साला चिराग उर्फ चीकू, साली रितिका और राखी के घर में मौजूद था, इसी दौरान उनकी पत्नी नीतू के चाचा कुछ लोगों के साथ घर में घुस गए और फिर हथियारों के दम पर उनको बंधक बना दिया और आखिर में घर आग के हवाले कर दिया। जो जिसने जड़ाए हैं उसकी कोई नहीं सुनाई करता जी, पुलिस वाले भी उस पर दबाव दे, जिसके बच्चे मारे गए हैं। आपस में किस बात को लेकर भी किसी बात पर रंजिश नहीं थी जी, ये तो इन्हें दारू पी रखी थी ना 2 जने ने, और ये परिवार के अंदर रोक कर दारू पी कर गंडासा लेकर हथियार लेकर बाणिया का खड़े होकर, जिसने भी कहा बढ़ाया उसका गोली अड़ा दें, उसके बाद में अंदर डीजल वगैरह क्या डाले उसने जड़ा दिए बच्चे। मतलब पहले क्या रंजिश थी, अब तो कोई रंजिश नहीं थी, पहले क्या रंजिश थी, पहले को लड़ाई झगड़ा किस बात को लेकर होता था? रंजिश तो है इनकी, काफी दिन से चल रही, पहले भी कई बार FIR करा रखी इसने, पर यही कर लेते गांव वाले आपस में कर करा के मना लेते, पर इतना थोड़ी बेरा था कि इतना कुत्ता यू काम कर देगा। वो हथियार भी बताया जा रहा है, हथियार भी थी, बताओ हथियार ले रहा था मैं तो, नहीं था मौके पर, मैं करने वाला था ही पाया था फोन आने के बाद। एक गंडासा वो ले रहा था कुहाड़ी यार, एक मेरा नहीं कौन सा पिस्टल थी के थी कौन लोग, एक का नाम मोनू है और एक और है, आपराधिक रिकॉर्ड बताया पहले से ही है। हाँ आपराधिक रिकॉर्ड है जी पूरा, दोनों गांव से ही है, दोनों गांव में ही है। क्यों किया गया उनके द्वारा, ऐसा कोई रंजिश थी ना? ऐसा तो कोई है नहीं, इसकी तो कोई रंजिश नहीं, तो बेचारा दहाड़ीदार आदमी है, इसका तो कोई है नहीं, वही डरता पहले भी कई बार उसकी कंप्लेंट कर ली इसने। मामले को लेकर ये जानकारी भी निकलकर सामने आई है कि पहले आरोपी चाचा पर पत्नी नीतू ने मुकदमा दर्ज करवाया था। इस केस में आरोपी के 8 लाख रुपए लग चुके थे। शक है कि आरोपियों ने इन्हीं 8 लाख रुपए की मांग करते हुए वारदात को अंजाम दिया है। वहीं गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने बताया कि दोनों का आपस में पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसके चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। वैसे इस वारदात के बाद दो भाइयों के रिश्ते में जहां हमेशा के लिए खटास आ चुकी है, वहीं पूरे इलाके में दहशत और सनसनी फैल गई है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।